प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस ईएमयू ट्रेन का लोकार्पण कर रहे हैं, उस ईएमयू ट्रेन में हम हैं। तमाम स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, एक खुशी का माहौल है। ख़ासतौर से कश्मीर के लिए बेहद खुशी की बात है कि जो रेल लाइन है, 48 किलोमीटर की रेल लाइन भी आज लोकार्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जो यहां पर बच्चे बैठे हैं, आप लोग बताइए कि कितनी खुशी है आप लोगों को, इससे आप लोगों को भी फायदा होगा? सर, बहुत खुशी है हमें। तो ये जो ईएमयू ट्रेन आज लोकार्पित होगी, इसमें आप लोगों को स्कूल जाने में भी फायदा होगा? यस सर। तो किस तरह से आप लोगों को लगता है कि ये जो रेलखंड लोकार्पित हो रहा है, ये जो ट्रेन चल रही है, इससे कश्मीर का विकास होगा? सर, जैसे कि पहले हम कश्मीर जाते थे तो बस से जाते थे, सुमो से जाते थे, टाइम लगता था, कोई इमरजेंसी होती थी हम नहीं जा पाते थे। अब हम ट्रेन से जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, शाम को वापस आ सकते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि संगाधार में ट्रेन चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सुमो से तो बहुत डर लगता है, सुमो में तो बहुत सारी सवारियाँ भर जाती हैं। यस सर। आप लोग बताइए कितना आप लोगों को फायदा होगा? हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, ट्रेन आई संगलदान में। हमें अगर यहाँ से कश्मीर जाना होगा, हम पढ़ने जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, हमारा कोई एग्ज़ाम होगा हम वो प्रिपेयर करके जा सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा हमें। और पहले हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता था, सुबह एक दिन पहले जाना पड़ता था, अब हम सुबह जा सकते हैं तो शाम को वापस आ सकते हैं। बहुत फ़ायदा हुआ है हमें ट्रेन का। आप लोग संगलदान में रहती हैं? आप लोग संगलदान? हाँ जी। संगलदान से श्रीनगर जाने में बाय रोड कितना समय लगता था? काफी टाइम लगता था, अब बहुत कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से बच्चे खुश हैं और यहाँ पर अलग अलग बच्चे तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। तो भारत माता की जय आप लोगों का नारा, किस तरीके से आप लोगों को फायदा होगा इस ट्रेन से और नई जो रेल लाइन शुरू हो रही है? नमस्कार सर, मेरा नाम करण देव सिंह है और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ सर। तो सर, हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का फायदा होगा, जैसे कि पहले हमारी घरेलू चीज़ें होती थी, जो अनारदाना, अखरोट, बही दाना, किसी को पता नहीं था, पर अब ये चीज़ें सर हमारे ऑल इंडिया में बिकी जाएंगी, हमारा हर जगह बेच सकते हैं ये चीज़ें। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। और जैसे कि सर, पहले हमारे यहाँ पे कोई बीमार हो जाता था तो 5-6 दिन अगर लैंडस्लाइड आ गई तो 5-6 दिन बंदा कहीं नहीं जा पाता, उसी जगह रुक जाता था, और उस वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है सर। और अब इस चीज़ का ये फायदा है सर कि अब ट्रेन से हम कश्मीर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं इस वजह से। तो नारे के साथ आप लोग झंडा भी बुलंद करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने सारे फ्लैग लेकर के, और यहाँ पर बच्चे हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, कश्मीर घाटी।